वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके भक्तिर्भवति नैष्टिके। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले श्लोक से आगे बढ़ते हैं। श्री शुका उवाच तदा देवर्षि गंधर्वा ब्रह्म ईशान पुरोगमा मुमुचुः कुसुम आसारम संसंतः कर्म तद हरे। मेरे साथ
श्री शुका वाचा श्री शुका शुक उवाच वाचा तदा देवर्षि गंधर्वा तदा तदा देवर्षि देवर्षि गंधर्वा गंधर्वा ब्रह्म ईशान पुरोगमा ब्रह्म ब्रह्म ईशान ईशान पुरोगमा मुमुचुः कुसुम आसारम मुमुचुः संसंतः कर्म तदहरे शब्दार्थ कुसुमासारम है श्री शुक उवाचा। श्री शुक्र गोस्वामी ने कहा तदा उस अवसर पर जब गजेंद्र का उद्धार हो गया, भगवान आए उसको दर्शन देने के लिए, कहा चल कन्या को मार के उसका भी उद्धार किया, गजेंद्र का भी उद्धार किया। देव ऋषि गंधर्वा देवता ऋषि तथा गंधर्व ब्रह्म ईशान पुरोगमा ब्रह्मा तथा शिव जी इत्यादि ने मुमुचुः वर्षा की, कुसुम आसारम फूलों का आवरण ढक दिया। संसत प्रशंसा करते हुए कर्म दिव्य कर्म तत् उस गजेंद्र मोक्षण हरे भगवान का। मेरे साथ पढ़िए, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा जब भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया तो जब भगवान ने गजेंद्र का उद्धार भगवान ने गजेंद्र को को उद्धार उद्धार कर दिया कर तो सारे सारे ऋषियों गंधर्वों सारे ऋषियों गंधर्वों तथा तथा ब्रह्मा ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने देवताओं भगवान भगवान के इस कार्य की प्रशंसा की, के इस कार्य की प्रशंसा की, और भगवान तथा गजेंद्र दोनों और भगवान तथा गजेंद्र दोनों के ऊपर पुष्प वर्षा की, ऊपर पुष्प वर्षा की। क्योंकि अब गजेंद्र वैकुंठ जा रहा है, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया। तात्पर्य माता जी, हरे कृष्णा रश्मि माता जी हरे देखो कृष्णा तात्पर्य शिव प्रपाठ की है। शिव प्रपाठ द्वारा तात्पर्य इस अध्याय में स्पष्ट है कि देवल ऋषि नारद मुनि तथा अगस्त मुनि जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कभी कभी किसी को श्राप देते हैं, किंतु ऐसे महापुरुषों का श्राप वास्तव में वरदान होता है। पिछले जन्म में घड़ियाल एक गंधर्व था तथा गजेंद्र राजा इंद्रदुम्न थे। ये दोनों शापित हुए, किंतु दोनों को लाभ हुआ। इंद्रदुम्न को हाथी के जन्म में मोक्ष मिला और वैकुंठ प्रभु थोड़ा संपर्क कर दें, और वो वैकुंठ में भगवान का पार्षद बना तथा घड़ियाल को उसका गंधर्व पद पुनः प्राप्त मिल गया। हम प्रायः देखते हैं कि बड़े संत या भक्त का श्राप श्राप न रहकर वरदान होता है। हरे कृष्णा साहब से वैकुंठ जाना थोड़ा क्विक हो जाता है, फास्ट हो जाता है। ये हुआ दोनों के साथ, वो इंद्रदुम्न था गजेंद्र और ये गंधर्व था घड़ियाल। ने दुहु द्वंद भयो दिव्या गंधर्वा न नृत्यु जगुहु ऋषयः चारणा सिद्धा तुष्टुः पुरुषोत्तमम् नेदुहु बजने लगे धुंधु भय धुंधु भिया दिव्या स्वर्ग लोक के आकाश में गंधर्वा गंधर्व लोक के वासी ना नृत्यु नाचने लगे जगहु तथा गाने लगे ऋषय सारे ऋषि चारणा चारण लोक के निवासी सिद्धा सिद्ध लोक के वासियों ने तुष्ट हुआ स्तुति की पुरुष उत्तमम पुरुषोत्तम भगवान की। मेरे साथ पढ़िए, स्वर्ग लोक में धुंधुभियां बजने लगी। स्वर्ग लोक में धुंधुभियां बजने लगी। धुंधुभियां स्वर्ग बजने लोक लगी। में बजने लगी। हाँ, धुंधुभी एक वाद्य यंत्र होता है, और पहले यहाँ भी होता था, अब नहीं दिखता।
गंधर्व लोक के वासी नाचने और गाने लगे। गंधर्व के वासी नाचने और गाने की लगे नाचने और तथा महान ऋषियों और चार लोग एवं तथा महान तथा ऋषियों एवं महान चारण ऋषियों लोग और एवं चारण हाँ लोग के चारण लोग एवं सिद्ध लोक के निवासियों ने सिद्ध लोक के एवं निवासियों निवासियों ने भगवान भगवान पुरुषोत्तम की स्तुतियां की। भगवान पुरुषोत्तम की स्तुतियां की की। स्तुति की। संदीप प्रभु नहीं आए ना अभी। नहीं प्रभु जी, यो असौ ग्राह सवै सद्यः परम आश्चर्य रूप धृक् मुक्तो देवल शापेना हुहु गंधर्व सत्तमः प्रणम्य शिरसा अधीशम उत्तम श्लोकम अव्ययम् अगायत यशो धामा कीर्तन्य गुण सत्कथम। मेरे साथ यो असौ ग्राह सवै सद्यः यो यशो ग्राह शवे शतः परम आश्चर्य रूप धृक् परमाश्चर्य परमाश्चर्य रूप रूप धृक् दे मुक्तो देवल शापेना मुक्त देवल दिवल शापेना शापेना हुहु गंधर्व सत्तमः प्रम्य गंधर्व सप्तमः शिरसा अधीशम अधीशम उत्तम श्लोकम अव्ययम् उत्तम उत्तम श्लोकम श्लोकम अगायत यशो धाम अगायत कीर्तन्य यशो गुण सत्कथम। कीर्तन्य गुण सत्कथम धाम शब्दार्थ है यह जो असौ वह ग्राह घड़ियाल बन गया सह वह निसंदेह सद्य तुरंत परम अत्यंत सुंदर आश्चर्य अद्भुत रूप धृक् रूप धारण किए अपने मूल गंधर्व रूप को मुक्ता मुक्त हो गया। देवल शापेन देवल ऋषि के शाप से उसको देवल ऋषि ने शाप दिया था। हुहु नामक नाम उसका हुहु था। गंधर्व सप्तम गंधर्व मैं श्रेष्ठ था। प्रणाम प्रणाम करके शिरसा सिर के बल अधिशम परम प्रभु को उत्तम श्लोकम श्रेष्ठ श्लोकों द्वारा पूजा जाने वाला भगवान को इसलिए उत्तम श्लोक कहा जाता है। अव्यय नित्य अगायत उच्चारण करने लगा। यश यश धाम भगवान की महिमा कीर्तन गुण सत्कथम जिसकी दिव्य लीलाएं तथा गुण यशस्वी हैं। मेरे साथ पढ़े गंधर्व में श्रेष्ठ राजा हूँ गंधर्वों में देवल श्रेष्ठ राजा हूँ। मुनि द्वारा शापित होने के बाद देवल मुनि द्वारा देवल शापित होने के द्वारा बाद शापित होने के बाद घड़ियाल घड़ियाल बन गया था। बन गया था। बन गया था। अब भगवान द्वारा उद्धार किए जाने पर उसने अब भगवान द्वारा उद्धार किए जाने पर एक सुंदर गंधर्व का रूप धारण कर दिया। उसने एक उसने सुंदर एक गंधर्व का रूप सुंदर धारण गंधर्व का कर रूप दिया। धारण कर लिया। यह समझ करके ये समझ यह कर समझ करके कि यह सब किसके कृपा से संभव हो सका। ये सब यह किस कृपा सब से संभव किसकी हो कृपा सका से वो हो संभव हो सका। सका। उसने तुरंत सिर के बल प्रणाम किया। उसने तुरंत उसने सिर के तुरंत बल सिर के प्रणाम बल किया। बल प्रणाम प्रणाम किया किया और श्रेष्ठ श्लोकों से और श्रेष्ठ और श्लोकों श्रेष्ठ से श्लोकों से और श्रेष्ठ श्लोकों से पूजित पूजित होने वाले परम होने नित्य वाले भगवान के लिए परम नित्य परम भगवान नित्य के भगवान भगवान के के लिए लिए उपयुक्त स्तुतियां की। उपयुक्त स्तुतियां की। उपयुक्त स्तुतियां करने लगा। स्तुतियां की। तात्पर्य हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य
जिस तरह गंधर्व घड़ियाल बना उसकी कथा आगे कही जाएगी। जिस शाप से गंधर्व को ये पद मिला था वो वास्तव में शाप नहीं था अपितु तो वरदान था। जब किसी को कोई संत पुरुष शाप दे तो अप्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उसका ये शाप वरदान होता है। इस गंधर्व में स्वर्ग लोक के निवासी की मानसिकता थी। इसे भगवान का पार्षद बनने में लाखों वर्ष लगते, किंतु देवल ऋषि के शाप से वो घड़ियाल बन गया और एक ही जीवन में उसे साक्षात भगवान का दर्शन करने तथा बैकुंठ जाकर भगवान का पार्षद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार गजेंद्र का भी उद्धार भगवान ने किया जब वो अगस्त मुनि के शाप से मुक्त हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सो अनुकंपिति सेना परिक्रम्य प्रणम्य तम लोकस्य पश्यतो लोकम स्वमगान मुक्त किल्बिषः। स्वम अगान अगाध भी पढ़ सकते हैं, स्वमगान मुक्त किल्बिषः। मेरे साथ पढ़िए, सो अनुकंपिति सेना अनुकंपिति सेना परिक्रम्य प्रणम्य तम परिक्रम्य प्रणम्य लोकस्य पश्यतो लोकम लोकस्य पश्यतो लोकम् तम अगान मुक्त किल्बिषः। स्वमगान शब्दार्थ है सह वह राजा हुहु जो घड़ियाल बन गया, अनुकंपित कृपा पात्र बनकर ईशेन भगवान द्वारा परिक्रमा करके प्रणाम प्रणाम करके तम उसको लोक से सारे देवताओं के मनुष्यों के पश्चात देखते देखते लोकों को स्वम अपने अगाध वापस चला गया। मुक्त मुक्त होकर किलबिषः अपने पापों के फलों से पाप से जब भगवान ने अब उसको भगवान ने उसने मुक्त कर दिया तो वह सारे फल पाप कर्म से मुक्त हो गया। जो देवल ऋषि ने उसको श्राप दिया था मुक्त हो गया उससे। मेरे साथ पढ़े, भगवान की अहेतु की कृपा से भगवान की भगवान अहेतु कृपा से की अपने पूर्व रूप को पाकर अपने अपने पूर्व को राजा हुहु ने राजा हुहु ने भगवान की प्रदक्षिणा की भगवान की भगवान की प्रदक्षिणा की प्रदक्षिणा की और उन्हें नमस्कार किया। और और उन्हें उन्हें नमस्कार नमस्कार किया। तब ब्रह्मा इत्यादि समस्त देवताओं की तो वह ब्रह्मा ब्रह्मा देवताओं की देवताओं की उपस्थिति में उपस्थिति में वह गंधर्व लोक लौट गया। वो गंधर्व वो सारे पाप फलों से मुक्त हो चुका था। वो और सारे वह पाप सारे फलों से पाप मुक्त फलों से मुक्त हो हो चुका चुका था। गजेंद्रो भगवत प्रसाद स्पर्शा विमुक्तो अज्ञान बंधना प्राप्तो भगवतो रूपम पीत बासा चतुर्भुजः। पीत बासा पीला वस्त्र चतुर चार हाथों वाला भगवान का, क्योंकि जो वैकुंठ जाता है वो तो चार हाथ वाला। मेरे साथ पढ़िए, गजेंद्रो भगवत स्पर्शा गजेंद्रो भगवत विमुक्तो प्रसाद अज्ञान बंधनात् प्राप्तो विमुक्तो ज्ञान बंधनात् भगवतो रूपम प्राप्तो भगवतो एतवासा चतुर्भुजः चतुर्भुजः। शब्दार्थ है गजेंद्र, हाथियों का राजा गजेंद्र भगवत स्पर्शा भगवान के हाथों का स्पर्श पाने से विमुक्त है, तुरंत मुक्त हो गया अज्ञान बंधना सब प्रकार के अज्ञान से, विशेषता तया देहात्मबुद्धि से प्राप्त है पाकर भगवत भगवान के रूपों वही शारीरिक स्वरूप पीत वासा पीले वस्त्र पहने चतुर्भुज तथा चार भुजाओं वाला जिनमें वह शंख चक्र गदा पद्म धारण किए था
ऐसा बन गया, क्योंकि भगवान का पार्षद हाथी कहाँ गया, गायब, हाथी का रूप नीचे गिर गया और ये आ गया। वो तो भौतिक शरीर है वो खत्म, यहाँ ये आध्यात्मिक शरीर मिल गया। मेरे साथ पढ़िए, चूंकि गजेंद्र का प्रत्यक्ष स्पर्श है, क्योंकि गजेंद्र का क्योंकि प्रत्यक्ष गजेंद्र स्पर्श का भगवान ने अपने चरण कमलों से किया था, भगवान ने अपने कर कमलों से किया था, भगवान सॉरी सॉरी, अपने कर कमलों से किया था, अपने अतएव वह समस्त भौतिक अज्ञान तथा अतएव वह समस्त भौतिक अज्ञान तथा बंधन बंधन से तुरंत मुक्त हो गया, से तुरंत मुक्त हो गया। गया। इस प्रकार उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, इस इस प्रकार उसे सारूप्य मुक्ति प्रकार प्राप्त हुई जिसमें उसे भगवान जैसा ही, जिसमें जिसमें उसे उसे भगवान भगवान जैसा जैसा ही ही शारीरिक स्वरूप प्राप्त हुआ, शारीरिक स्वरूप प्राप्त वो पीत वस्त्र धारण किए, हुआ, वो पीत पीत वस्त्र वस्त्र धारण धारण किए, किए, चार चार भुजाओं वाला बन गया, भुजाओं चार वाला भुजाओं बन वाला गया। बन गया। हाँ, इसका अगर आप देखेंगे हिस्ट्री शायद आगे आए, इसका दोष भी नहीं था। जब इसको श्राप दिया अगस्त मुनि ने अपने शिष्यों को लेके गए थे इसके पास में, और ये मौन व्रत धारण करके भगवान ने समाधि लगाया था, उन्होंने जब इस आवाज दी नहीं सुना, दो बार दिया होगा, तीन बार दिया होगा, जो भगवान में जिसकी समाधि लगी है उसने भौतिक जगत की कोई चीज उसको परवाह ही नहीं, वो उस तरफ ध्यान ही नहीं देता, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तू आलसी हाथी बन जा। तो ये गलती नहीं थी, वो तो इतने महान भक्त थे भगवान के, इंद्रदेव ने जो है राजपाट छोड़ करके वो भगवान के मौन व्रत में समाधि लगाए गए, तो इसलिए उनको सारूप्य मुक्ति मिल गई। और घड़ियाल जो था, घड़ियाल को भगवान ने गंधर्व लोक फिर भेज दिया दोबारा, भगवान के बारे में स्तुतियां करने के लिए, गाने के लिए। तात्पर्य माता, हरे कृष्णा रीटा कथुरिया माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, यदि किसी पर भगवान की कृपा होती है और वे उसका स्पर्श अपने हाथ से कर देते हैं तो उसका शरीर आध्यात्मिक बन जाता है और वह भगवत धाम वापस जा सकता है। जब भगवान ने गजेंद्र का स्पर्श किया तो उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। ध्रुव महाराज को भी आध्यात्मिक शरीर इसी प्रकार मिला था। अर्चना पद्धति में भगवान का शरीर स्पर्श करने का सुअवसर मिलता है, जिससे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होने का सौभाग्य मिल सकता है और भगवत धाम वापस जाया जा सकता है। ना केवल भगवान के शरीर का स्पर्श करके अपितु उनकी लीलाओं का श्रवण करके, उनकी महिमाओं का गान करके, उनके चरणों का स्पर्श करके तथा उनकी पूजा करके, दूसरे शब्दों में भगवान की किसी भी प्रकार से सेवा करके मनुष्य भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है। भगवान का स्पर्श पाने का यह परिणाम होता है जो शुद्ध भक्त है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, जो शास्त्र एवं भगवान के वचनों के अनुसार कर्म करता है वह निश्चित रूप से शुद्ध हो जाता है। वह भी गजेंद्र की तरह आध्यात्मिक शरीर धारण करके भगवत धाम लौट जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद माता हरे जी। कृष्ण। तो इसमें एक चीज आपने देखा होगा, ध्रुव महाराज को जब भगवान के दर्शन हुए तो क्या हुआ कि उनको कुछ कहना ही नहीं आया क्या बोले, इसलिए भगवान को स्पर्श करना पड़ा, अपना जो शंख था उनके सिर में लगाया, आपको याद होगा, तो ज्ञान आ गया। फिर इतनी बढ़िया स्तुतियां की भगवान की ध्रुव महाराज ने, क्योंकि तो भगवान का स्पर्श होने से अज्ञान समाप्त हो जाता है। स्वय पूर्वम
सवै पूर्वम् अभूत राजा पांडव द्रविड़ सप्तमः। अब ये इसके बाद गजेंद्र की बात हो रही। इंद्र दुम्नु इति ख्यातो विष्णु व्रत परायण। मेरे साथ सवै पूर्वम् अभूत राजा, सवई पूर्वम अभूत राजा पांडव द्रविड़ द्रविड़ सप्तमः। पांडो द्रविड़ सप्तमः इंद्र द्युम्नो इति ख्यातो विष्णु विष्णु व्रत परायण। व्रत शब्दार्थ है सह वह परायण हाथी गजेंद्र। वह निसंदेह पूर्वम पूर्व जन्म में अभूत था राजा, राजा पांड्य पांड्य नामक देश का द्रविड़ सप्तम सप्तमः। द्रविड़ दक्षिण भारत में उत्पन्न होने वालों में श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न महाराज इंद्रद्युम्न था, पांड्य देश का राजा था। यदि इस प्रकार आता गुड प्रसिद्ध विष्णु व्रत परायण मॉर्निंग, भगवान की सेवा में सदैव लगा रहने वाला प्रथम कोटि का वैष्णव, कितना महान था वो। मेरे साथ पढ़िए, यह गजेंद्र पहले, यह गजेंद्र पहले वैष्णव गजेंद्र वैष्णव था, था और द्रविड़ यानी दक्षिण भारत प्रांत के भारत और प्रांत द्रविड़ के पांडे पांडे नामक देश का राजा था। नामक अपने पूर्व जन्म में, अपने पूर्व वह इंद्रद्युम्न महाराज कहलाता था। वो वो इंद्रद्युम्न महाराज कहलाता था। कहलाता अब कथा। स एकदा आराधन काल आत्मवान गृहीत मौन प्रत ईश्वरम हरिम। जटाधर तापस आप्लुतो अच्युतम समर्चयाम आस उलाचल आश्रम। उलाचल आश्रम में गए थे वो। इन्हीं की बात हो रही है गजेंद्र की। स एकदा आराधन काल आत्मवान। एकदाराधन काल गृहीत आत्मवान मौन व्रत ईश्वरम हरिम। गृहीत मौन व्रत ईश्वरम हरिम। जटाधर तापस आप्लुतो अच्युतम। जटाधर समर्चयाम आस उलाचलाश्रमः। समर्चयाम शब्दार्थ है सह वह इंद्रद्युम्न महाराज एकदा एक बार आराधन काले देव पूजा के समय आत्मवान अत्यंत मनोयोग से भक्ति में लगा गृहित धारण किए मौन व्रत किसी से न बोलने का अनुष्ठान। ईश्वरम परम नियंता हरिम भगवान की। भगवान को जटाधर जटाधारी तापस तपस्या तल्लीन आप्लुत भगवत प्रेम में तल्लीन अच्युतम अच्युत भगवान को समर्थयाम आस पूजा कर रहा था। कुलाचल आश्रम, कुलाचल मलय पर्वत स्थित उसका आश्रम। मेरे साथ पढ़िए, इंद्रद्युम्न महाराज ने ग्रस्त इंद्रदुम्न महाराज ने जीवन से वैराग्य ले लिया ग्रस्त जीवन में लिया। वैराग्य और मलय पर्वत चला गया, और मलय पर्वत चला गया जहां उसका आश्रम जहां जहां एक उसका छोटी सी कुटिया के रूप में था। एक छोटी सी कुटिया के रूप में था। उसके उसके सिर पर जटाएं थी, सिर पर जटाएं थी जटाएं थी और वह सदैव तपस्या में लगा रहता था। और वो और सदैव तपस्या में वो लगा तपस्या में रहता लगा था। एक बार वो मौन व्रत धारण किए, एक रहता था। बार एक वो मौन बार व्रत धारण करके भगवान किए की पूजा में तल्लीन था।
भगवान तो भगवान सीता में कलहीन था कलहीन था और भगवत प्रेम के आनंद में डूबा हुआ था। और भगवत और प्रेम के भगवत आनंद प्रेम में डूबा के हुआ आनंद था। में डूबा हुआ था। हाँ, ऐसे समाधि में आदमी हो, कोई चिल्लाए कुछ करे, ढोल बजाए बाहर, उसको क्या क्या मतलब है इस भौतिक जगत के चीजों से, ऐसा आनंद में था। यदृच्छया तत्र महायशा मुनि सम आगतम शिष्य गणे परिश्रिता तम वीक्ष तूष्णीम अकृत अरहण आदिकम रहसि उपासीनम ऋषि चुको बह। चुको कहते गुस्सा, बहुत गुस्सा हो जब आता, चुको गुस्से में आ गया ऋषि। मेरे साथ पढ़े, यदृच्छया तत्र महायशा मुनि यदिच्छया तया महायशा मुनि यदिच्छया तम आगतम शिष्य गणे परिश्रितः समागमिच्छ्य गणैः परीक्षितः समागतम तम वीक्ष तूष्णीम अकृत अरहण आदिकम अरहणादिकम् रहसि उपासीनम् ऋषि ऋषि चुकोपः रहस उपासीनम् ऋषि चुकोपः। शब्दार्थ है यदृच्छया, अपनी इच्छा से बिना बुलाए तत्र वहां महायशा सुविख्यात मुनि अगस्त्य मुनि समागतम पधारे, शिष्य गण अपने शिष्यों सहित परिचितः घिरे हुए, अपने शिष्यों से घिरे हुए तम उसको वीक्ष देखकर तुष्णी मौन अकृत अरहण आदिकम स्वागत सत्कार के बिना, वो तो उठे ही नहीं, वो तो समाधि में थे, रहसी एकांत स्थान में उपासीनम ध्यान में बैठे ऋषि ऋषि चुको अत्यंत क्रुद्ध हुआ। हाँ, ऐसा हुआ कि मेरे साथ पढ़िए, जब इंद्रद्युम्न महाराज भगवान की पूजा करते हुए, जब इंद्रद्युम्न महाराज भगवान की पूजा करते हुए ध्यान ध्यान में तल्लीन थे, ध्यान में तल्लीन थे, में तो अगस्त मुनि अपनी शिष्य मंडली समेत वहां पधारे। तो अगस्त मुनि अपनी शिष्य मंडली समेत वहां पधारे। पधारे जब मुनि ने देखा कि जब मुनि ने देखा कि राजा इंद्रद्युम्न राजा इंद्रदुम्न एकांत स्थान में बैठकर मौन साधे हैं एकांत स्थान में बैठकर मौन साधे हैं और उनके और उनके स्वागत के शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहे हैं, स्वागत में स्वागत शिष्टाचार का पालन स्वागत नहीं कर रहे शिष्टाचार हैं, का पालन नहीं पालन कर नहीं रहे हैं, कर रहे हैं तो तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुए, वे अत्यंत क्रुद्ध हुए। तस्मा इमं शापम अदाद असाधु अयम दुरात्मा अकृत बुद्धि अद्य अद्य विप्र अवमत्ता विशतां तमिश्रम यथा गजः स्तब्ध मति स एव। मेरे साथ, तस्मै इमं शापम अदात् असाधु, तस्माहं शापं असाधु असाधु, अपने विसर्ग लगाया, रौ जगह नीचे से आ जाए, अयम दुरात्मा अकृत बुद्धि अद्य, अयम अयम दुरात्मा दुरात्मा बुद्धि के बाद विसर्ग आएगा, अयम दुरात्मा अकृत बुद्धि अद्य। अयम विप्र दुरात्मा अवमन्ता विशतां तमिश्रम, यथा गजः स्तब्ध मतिः स एव। शब्दार्थ है, तस्मै महाराज इंद्रदुम्न को इमं यह शापम शाप अदात दे डाला, असाधु
अभद्र अयम यह दुरात्मा, नीच व्यक्ति, अकृत, अशिक्षित, बुद्धि उसकी बुद्धि, अद्य अब विप्र ब्राह्मण का अवमंता अपमान करने वाला विषताम प्रवेश करे तमिश्रम अंधकार में, यथा जिस तरह गजह एक हाथी स्तब्ध मति कुंद कुंद बुद्धि वाला हाथी होता है, सह वह एव निसंदेह। मेरे साथ पढ़े, तब अगस्त्य मुनि ने तब अगस्त मुनि राजा राजा को ने यह श्राप दे डाला। श्राप दे डाला, राजा को राजा श्राप दे डाला। इंद्रधनुष तनिक भी भद्र नहीं है, इंद्रधनुष तनिक भी भद्र नहीं है, नीच तथा अशिक्षित होने के कारण, नीच तथा नीच शिक्षित तथा होने के शिक्षित कारण होने के कारण इसने ब्राह्मण का अपमान किया है, इसने इसने ब्राह्मण ब्राह्मण का का अपमान का अपमान अपमान किया अपमान है। किया है, अतः यह अंधकार प्रदेश में प्रवेश करे। अंधकार और आलसी मूक हाथी का शरीर प्राप्त करे। और आलसी और मूक हाथी का शरीर आलसी मूक प्राप्त हाथी हाथी का का शरीर शरीर प्राप्त प्राप्त करे। करे। हाँ, ये तो बात सीख हो गई, ये उसको हाथी का शरीर, क्योंकि मुनि में इतनी शक्ति है, मिल गया। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, जो तकलीफ में था याद देती भगवान ने, स्तुतियां करता था वो पहले, इतना महान भक्त था, वो स्तुतियां याद आई, स्तुतियां की, भगवान ने दर्शन दे करके उसका उद्धार किया। तात्पर्य माता जी, हरे कृष्ण सत्येंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय है। हाथी अत्यंत बलिष्ठ होता है, उसका शरीर अत्यंत भारी होता है, वह कठोर श्रम कर सकता है और प्रचुर भोजन खा सकता है, फिर भी उसकी बुद्धि उसके आकार तथा बल के अनुरूप नहीं होती। इस तरह इतनी शारीरिक शक्ति होते हुए भी वह मनुष्य का चाकर बनकर काम करता है। अगस्त्य मुनि ने यही ठीक समझा कि इस राजा को हाथी बनने का श्राप दिया जाए, क्योंकि इस शक्तिशाली राजा ने मेरा स्वागत उस रूप में नहीं किया जैसा कि ब्राह्मण का होना चाहिए। यद्यपि अगस्त्य मुनि ने महाराज इंद्रद्युम्न को हाथी बनने का श्राप दे डाला, किंतु यह श्राप अप्रत्यक्ष वरदान था, क्योंकि हाथी का जीवन बिताने से उसके पूर्व जन्मों के पापों के सारे फल समाप्त हो गए। हाथी जीवन का अंत होते ही वह भगवान जैसा शरीर पाकर उनका पार्षद बनने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया गया। यह सारुज्य मुक्ति कहलाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण सर्व के मुक्ति। श्री शुका उवाच एवं सप्ता ततो अगस्त्यो भगवान नृपसानुगः सानुगः इंद्रद्युम्नो अपि राजर्षिः दिष्टं तद उपधारयन् आपन्नः कौञ्जरीं योनिम् आत्मस्मृति विनाशिनी हरि अर्चन अनुभावेन यद गजत्वे अपि अनुस्मृति। मेरे साथ श्री शुका उवाच श्री शुका उवाच एवं श्री एवं सत्वा गतो अगस्त्यो सत्वागतो भगवान नृपसानुगः भगवान इंद्रद्युम्नो अपि राजर्षिः दिष्टं तद उपधारयन् आपन्नः कौञ्जरीं योनिम् आत्मस्मृति विनाशिनी आत्मस्मृति हरि अर्चन अनुभावेन यद गजत्वे अपि अनुस्मृति हाँ, उसका फल उसको स्मृति याद आ गई, भगवान की स्मृति। अर्थ शब्दार्थ है श्री शुक वाचा श्री सुखदेव सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार सप्वा श्राप देने के बाद गतः उस स्थान को
त्याग दिया अगस्त्य। अगस्त्य मुनि ने भगवान इतने शक्तिशाली नृप, हे राजा स अनुग्रह सानुग्रह, अपने संगियों सहित समेत इंद्रद्युम्न, राजा इंद्रद्युम्न अपि भी राजर्षि, यद्यपि वो राजर्षि था, दृष्टम विगत कर्मों के कारण तत्पश्चात पदार्यन मानते हुए आपन्न प्राप्त किया। कौंजरिम हाथी की योनिम योनि आत्मस्मृति अपनी याद, विनाशिनी नष्ट करने वाली हरि भगवान, अर्चन अनुभावेन पूजा करने के कारण यह उस गजत्वे हाथी के शरीर में अपि यद्यपि अनुस्मृति ही अपनी विगत भक्ति को स्मरण करने का सुअवसर उसको मिला। मेरे साथ पढ़िए, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव सुखदेव गोस्वामी ने गोस्वामी ने कहा, कहा, हे हे राजा, हे हे राजा, राजा, यानी परीक्षित महाराज, अगस्त मुनि द्वारा, अगस्त अगस्त मुनि मुनि द्वारा, द्वारा राजा इंद्रदम्न को, राजा राजा इंद्रदम्न इंद्रदम्न को इस तरह श्राप देने के बाद, इस तरह इस तरह श्राप श्राप देने देने के के बाद बाद, अपने शिष्यों समेत, अपने अपने शिष्यों समेत शिष्यों समेत उस स्थान से चले गए, उस उस स्थान से स्थान से चले गए, चले गए, क्योंकि राजा भक्त था, क्योंकि क्योंकि राजा राजा भक्त था, भक्त अतः उसने अगस्त मुनि के श्राप का स्वागत किया। अतएव उसने श्राप का स्वागत किया, क्योंकि भगवान की ऐसी ही इच्छा थी, क्योंकि क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा थी। भगवान की कौन सोचता है ऐसा? वैष्णव, वैष्णव सोचता है ये मिल गया, भगवान की इच्छा थी ऐसे, दैव इच्छा मानता है। अतः अगले जन्म में, अतएव अतः अगले जन्म में, अगले अगले जन्म जन्म में में हाथी का शरीर प्राप्त करने पर भी, हाथी का शरीर हाथी का प्राप्त करने शरीर पर, शरीर प्राप्त करने करने पर पर भक्ति के कारण, भक्ति भक्ति के के कारण कारण उसे स्मरण रहा कि उसे उसे ये स्मरण रहा कि भगवान भगवान की पूजा और स्तुति, की भगवान की पूजा पूजा और और स्तुति स्तुति किस तरह की जाती है, किस किस तरह की जाती है, तरह की की जाती है। जाती है, ये याद रहा उसको। आप देखे, भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो, प्रभुपाद कहते हैं। तो आप लोगों को भी दूसरे जन्म में ऐसे ऐसे फल मिलेगा। तात्पर्य, हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान के भक्त की यह अद्वितीय स्थिति है। यद्यपि राजा को श्राप मिला था, किंतु उसने इसका स्वागत किया, क्योंकि भक्त सदैव जानता रहता है कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। यद्यपि राजा का कोई दोष न था, फिर भी अगस्त मुनि ने उसे श्राप दे डाला। और जब ऐसा हो गया, तो राजा ने इसे अपने विगत दुष्कर्मों के कारण हुआ समझा। तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षे माण है, यानी भागवत 10.14.8। यह भक्त के सोचने का एक व्यवहारिक उदाहरण है। वह जीवन की किसी भी असफलता को भगवान का आशीर्वाद मानता है। अतः वह इस असफलताओं से सुख क्षुब्ध ना होकर अपने भक्ति कार्यों में लगा रहता है, और कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं तथा भगवत धाम वापस जाने में उसे समक्ष सक्षम बनाते हैं। यदि भक्त को अपने विगत दुष्कर्मों के फल भोगने ही पड़े, तो भगवान उसे इस इनका नाम मात्र फल चखाकर तुरंत ही उनसे मुक्त कर देते हैं। अतः मनुष्य को भक्ति में दृढ़ रहना चाहिए। भगवान स्वयं ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी वैकुंठ लोक भेजने की व्यवस्था करेंगे। भक्त को कभी भी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में
विक्षुब्ध नहीं होना चाहिए, अपितु भगवान पर ही उसे पूरी तरह आश्रित रहकर अपने नियमित कार्यक्रम में आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इस श्लोक में उपधारयन शब्द अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ विचार करते हुए है, जो यह सूचित करता है कि भक्त जानता है कि कौन क्या है। वह समझता है कि इस भौतिक बद्ध जीवन में क्या हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी। हरे कृष्णा। एवं विमोक्ष गजियो तप अब जनाभः, नीचे का सौ हो जाएगा। तेन अपि पार्षद गतिम गमितेन युक्तः गंधर्व सिद्ध विबुधै उपगीयमाना कर्म अद्भुतम स्वभवनम गरुडासनो अगात। मेरे साथ एवं विमोक्ष गजयूत अब्जनाभः। तेनापि पार्षद गतिं गमितेन युक्तः गंधर्व सिद्ध विबुधैः उपगीयमानः। कर्म अद्भुतम स्वभावनम गरुडासनो अगा। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार विमोक्ष से उद्धार करके गज युद्ध पम हाथियों के राजा गजेंद्र को अब्जनाभः भयानक जिनकी नाभि से कमल निकलता है, भगवान का नाम इसलिए अब्जनाभ भी है। तेन उसके गजेंद्र द्वारा अभी भी पार्षद गतिम भगवान के पार्षद का पद गमितेन पहले से प्राप्त युक्त के साथ साथ गंधर्व गंधर्व लोक के निवासी सिद्ध सिद्ध लोक के निवासी विबुधय तथा बड़े बड़े ऋषि के द्वारा उपगीयमान महिमा मंडित होकर कर्म जिसके कार्यकलाप अद्भुतम आश्चर्यजनक स्वभवनम अपने धाम को गरुड़ आसन गरुड़ में आसीन होकर अगात लौट गए भगवान के साथ। बताओ कितना भाग्यशाली था गजेंद्र। मेरे साथ पढ़े गजेंद्र को घड़ियाल के चंगुल से गजेंद्र को घड़ियाल के चंगुल से तथा इस भौतिक संसार से तथा इस भौतिक संसार से जो घड़ियाल जैसा लगता है जो घड़ियाल जैसा लगता है बहुत ही बढ़िया। एक भौतिक जगत में घड़ियाल ने हमको भी पकड़ रखा है। घड़ियाल जैसा लगता है भौतिक घड़ियाल जैसे ही इस भौतिक जगत जगत छुड़ाकर भगवान ने उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान की भगवान के अद्भुत दिव्य कार्यकलापों का यश भगवान के अद्भुत दिव्य कार्यकलापों का यश बखान करने वाले गंधर्वों बखान करने वाले गंधर्वों गिद्धों तथा अन्य देवताओं की उपस्थिति में भगवान अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर बैठकर अद्भुत धाम को लौट गए अपने अद्भुत धाम को लौट गए और अपने साथ गजेंद्र को भी लेते गए और अपने साथ गजेंद्र को भी लेते गए। ऐसा भाग्य देखो अपने साथ भगवान ले जा रहे अपने वाहन में बिठाकर। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अत्रि माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य शील प्रभुपाद के जय शील प्रभुपाद के द्वारा। इस श्लोक में विमोक्ष शब्द महत्वपूर्ण है। भक्त के लिए मोक्ष या मुक्ति का अर्थ है भगवान के पार्षद का पद प्राप्त करना, निर्विशेष ब्रह्मज्योति में तल्लीन होने की
मुक्ति से ही संतुष्ट हो जाते हैं, किंतु भक्त के लिए मुक्ति का अर्थ उसी भगवान के तेज में तल्लीन होना नहीं, अपितु वैकुंठ लोक जाकर श्री भगवान को पार्षद बनना है। इस संबंध में श्रीमद भागवतम 10.13.8 में एक श्लोक है, तत्ते अनुकंपं शुशमीक्षमाणो भुञ्जाने बात्मा कृतं विपाकम् इति बागबपुरभिर् विदधत् नमस्ते जीवेत् यो मुक्तिपदेशादय भाग। जो आपकी अनुकंपा का इच्छुक है और इस तरह अपने विगत कर्मों के फल के कारण सभी विषम परिस्थितियों को सह लेता है, जो मन वाणी और शरीर से आपकी भक्ति में सदा लगा रहता है और सदैव आपकी नमस्कार करता है, वो निश्चय ही मुक्ति प्राप्त करने के लिए योग्य पात्र है। जो भक्त इस भौतिक जगत में सब कुछ सह लेता है और धैर्य पूर्वक भक्ति करता है, वो मुक्ति पदेश दाई भाग अर्थात मुक्ति का प्रामाणिक पात्र बनता है। दाई भाग शब्द तो श्री भगवान की कृपा के उत्तराधिकार को बताता है। भक्त को भौतिक परिस्थितियों की परवाह ना करते हुए एकमात्र भक्ति में लगे रहना चाहिए, तब वो वैकुंठ लोक जाने का शत अधिकारी बन जाता है। जो भक्त से भगवान की अनन्य भक्ति करता है, उसे वैकुंठ लोक जाने का उसी तरह अधिकार प्राप्त होता है जिस प्रकार पुत्र को अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त होता है। जब कोई भक्त मुक्ति पाता है तो वो भौतिक कल्मश से छूट जाता है और श्री भगवान का दास नियुक्त हो जाता है। इसकी व्याख्या भगवतम 2.10.6 में की गई है, मुक्ति हितमन्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थिति। स्वरूप शब्द तो सारूप मुक्ति का सूचक है, जिसका अर्थ तो है श्री भगवान के धाम को वापस जाना और श्री भगवान के ही समान चतुर्भुजी आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके जो शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए रहता है, श्री भगवान का नित्य पार्षद बने रहना। निर्विशेषवादी की मुक्ति तथा भक्त के मुक्ति में यही अंतर है कि भक्त तुरंत ही श्री भगवान का नित्य दास नियुक्त हो जाता है, जबकि निर्विशेषवादी ब्रह्मज्योति में विलीन होकर भी असुरक्षित रहता है और सामान्यतः इस भौतिक जगत में फिर गिर जाता है। आरुह्य किच्छेन परंग पदंग तथा पतंती अध अनादृत जुष्मत अंग्रयः। श्रीमद भगवत गीता 10.2.32। यद्यपि निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तक उठकर उसी में प्रवेश कर जाता है, किंतु श्री भगवान की सेवा में न लगा होने के कारण पुनः भौतिकवादी परोपकारी कार्यों के प्रति आकृष्ट होता है। इस तरह वो अस्पताल तथा शैक्षणिक संस्थान खोलने, गरीबों को भोजन कराने तथा इसी प्रकार की भौतिक गतिविधियों संपन्न करने के लिए नीचे आता है, जिन्हें वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने की अपेक्षा अधिक मूल्यवान समझता है। अनादृत जुष्मत अंग्रयः। निर्विशेषवादी ये नहीं सोचते कि श्री भगवान की सेवा करना, गरीब की सेवा करने या स्कूल अथवा अस्पताल खोलने की अपेक्षा अधिक मूल्यवान है, यद्यपि वे ये कहते हैं कि ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या अर्थात ब्रह्म सत्य है और भौतिक जगत मिथ्या है, तो भी वे इस मिथ्या जगत की सेवा करने के अत्यंत इच्छुक रहते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमल की सेवा की उपेक्षा करते हैं। श्री कृष्ण हरे कृष्ण धन्यवाद। भी पढ़ सकते हैं, एतद् महाराज तब ईरितो मया कृष्ण अनुभावो गजराज मोक्षणम् स्वर्गम यशस्यम कलिकल कलिकल्मस आपहम कलिकल्मस आपहम दुः स्वप्न नाशम गुरुवर्य शरणताम। मेरे साथ पढ़िए, एतन महाराज तब ईरितो मया एतन् एतन् महाराज महाराज तवेदितो तवेदितो मया मया कृष्ण
कृष्णानुभावो गजराज मोक्षणम् कृष्णानुभावो गजराज मोक्षणम् स्वर्गं यशस्यं कलिकल्मष अपहम् दुःस्वप्ननाशं कुर्वर्य शृणुताम् शब्दार्थ है एतत् यह महाराज हे महाराजा परीक्षित तब तुमसे ईरितः वर्णन किया गया मया मेरे द्वारा कृष्ण अनुभव भगवान कृष्ण की असीम शक्ति जिससे भक्त का उद्धार कर सकते हैं गजराज मोक्षणम हाथियों के राजा मोक्ष प्राप्ति स्वर्गम स्वर्गलोक के लिए प्रोन्नति यशस्यम भक्त के रूप में अपनी ख्याति बढ़ाने कलि कलमस अपहम कलयुग के कलमस को कम करने दुःस्वप्न नाशम पूरे स्वप्नों के कारणों का निराकरण करने गुरु वर्य हे गुरु श्रेष्ठ श्रणुताम यह इस कथा को सुनने वालों को आपको भी फल मिलने वाला है। मेरे साथ पढ़े हे राजा परीक्षित। हे राजा परीक्षित, अब मैंने तुमसे कृष्ण की अद्भुत शक्ति का वर्णन कर दिया है। अब मैंने तुमसे कृष्ण की अद्भुत शक्ति का वर्णन कर दिया है जिसे भगवान ने गजेंद्र का उद्धार करके प्रदर्शित किया था। हे गुरु श्रेष्ठ, जो लोग इस कथा को सुनते हैं वे उच्च लोक में जाने के योग्य बनते हैं। ये कथा आपने श्रद्धा से सुनी तो आप कुछ लोगों को तो जा ही सकते हैं, लेकिन अब भक्ति के मार्ग पर हैं, नहीं चाहिए उच्च लोग, क्या चाहिए? सबसे उच्च लोग भगवत का, भगवत का। इस कथा के श्रवण मात्र से वे भक्त के रूप में ख्याति अर्जित करते हैं। आपके लिए कहा है ये, वे कलयुग के कलमस से अप्रभावित रहते हैं। और कभी दुःस्वप्न नहीं देखते यहीं पर रुकते हैं। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचाल देशतान। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, कोई प्रश्न नहीं है तो